एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सका वो आपने अकेले कर दिया। आप जो चाहते थे वो सब हो गया। बापू, शहर में अब अमन और शांति है। आपका जीवन हमारे लिए और देश के लिए बहुत अनमोल है, तो अनशन खत्म कीजिए। मौलाना, सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं बापू, आपका आदर सम्मान करते हैं। चलिए पीजिए 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 बापू। चलिए, महात्मा जी की जय बोल रहे हैं जी। आप पीजिए। आप पर फिर हमला होने वाला है महात्मा जी, इंटेलिजेंस से पक्की खबर मिली। होगा वही जो ईश्वर चाहेगा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपकी अनुमति चाहते हैं। प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं उन सबकी तलाशी लेना बहुत जरूरी है बाबू। प्रार्थना सभा में आने वालों की तलाशी लेने का मतलब है उनकी आस्था पर संदेह करना। पर बाबू, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कल हाथ काम तो नहीं जाएगा? मैं हिंदू हूं, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर, अभिमान है मुझे हिंदू राष्ट्र की इस पावन भूमि में जन्म लेने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। Out of danger now. Thank you, doctor. देखिए, सुनिए, आप लोग शांति बनाए रखे, कोई खतरा नहीं है, बाबूजी बच गए हैं। बाबू बच गए। Thank you.
वहां नहीं ढूंढा आपको, बापू बच गए, बापू बच गए। हाँ ये तो चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार नहीं, हम सबकी दुआओं का असर है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। एक और खुश खबरी सुनो, आज मैंने उस मकान का सौदा कर लिया है जो तुम्हें पसंद था, जहाँ हमारा घर बसेगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी पसंद के दो रात रानी के पौधे भी लगा दिए हैं। अब हमारा घर महका करेगा तुम्हारी और रात रानी की खुशबू से। अरे कहाँ खो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है कहो। मैं बापू के साथ देश सेवा करना चाहती हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? आप तो जानते ही हैं, पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन में बापू के साथ थे। जुलूस पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी और पिताजी के सिर पर गहरी चोट आई। इलाज बहुत हुआ पर वो रो मत। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गांधी जी देवता है, उन्हें ईश्वर ने हम सब के लिए धरती पर भेजा है। उनकी अंतिम इच्छा बस यही थी कि मैं बापू के साथ मिलकर देश की सेवा कर सकूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ देश सेवा करने। सच? ये क्या बापू, नर्स बता रही थी कि आपने दवाई लेने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कम से कम 15 दिनों तक आपको दवाइयां लेनी है। अब मैं ही अपना डॉक्टर हूं, पहले बेहोश था तो दूसरी बात थी, अब मैंने अपनी खुराक को ही दवा बना लिया है। क्या बात, तुम मेरी चिंता मत करो। ये दो किताब मुझे चाहिए। जी अच्छा। दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट बुक। कौन हो तुम? मेरा नाम सुषमा है, मैं शहीद रामपाल वर्मा की बेटी हूँ। तुम्हारे पिताजी याद है मुझे, बड़े बहादुर देशभक्त थे। तुम क्या कर रही हो? बीए का इम्तिहान दिया है और संगीत भी सीख रही हूँ। ये नरेन है बापू। नमस्ते बापू। हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ बापू। तुम क्या करते हो? मैं दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देश सेवा तो तुम कर ही रहे हो। अगर मैं भी आपके साथ। अरे कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? हमें बापू से। डॉक्टरों ने बापू को कंप्लीट रेस्ट बताया है, प्लीज आप बाहर जाइए। अब प्यारे लाल तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देगा, तुम लोग जाओ प्रार्थना सभा में आना। मुझे अभी पता चला बापू कि नाथुराम गोडसे ने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया। वो पूना से एक अखबार निकालता है, हिंदू राष्ट्र, सावरकर उसके आदर्श हैं। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये गोडसे। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूं। पर क्यों बापू, वो तो आपकी हत्या करना चाहता था। मिलने की यही वजह है। महात्मा जी हमें तो आदेश मिला है कि हम इसे। मैं तुम्हारे सरदार साहब से बात कर लूंगा, तुम अभी खोल दो। जी खोल दो इसे। अब आप सब जाइए। ये क्या महात्मा जी, हम इसको आपके साथ अकेला कैसे छोड़ दें? मुझे विश्वास है ये मुझे कुछ नहीं करेगा। आप सब जाइए। जी चलो। जरा दरवाजा बंद करके जाना। नमस्ते। मुझे खुशी है गोडसे कि परमात्मा ने तुम्हें साहस दिया और तुमने अपना अपराध मान लिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अदालत में भी मैंने यही बयान दिया था कि मैंने तुम पर गोली चलाई थी। तो तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानते? नहीं।
क्योंकि मेरा उद्देश्य महान है। कैसा उद्देश्य? तुम हिंदुओं के शत्रु हो गांधी। इस देश को, हिंदुओं को तुमसे हानि हुई है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। करना चाहता हूं। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हारे हाथ भी खुले हैं। मेरे हाथ तुमने खुलवाए हैं गांधी। तुमने विश्वास किया है मुझ पर और मैं उस विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें यह बताने आया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पर गोली चलाने के आरोप में मैं सजा पाना चाहता हूं, फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। ये क्या गोड़ से? दूसरों के लिए भी हिंसा और अपने लिए भी हिंसा। तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का कर्म तो ज्ञान, दया, क्षमा, आस्तिकता। बस बस बस, मुझे मेरा कर्म मत समझाओ गांधी। जाओ, जाकर अपना कर्म सुधारो। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। राम राम। ये आपने क्या कह दिया बापू? ये कैसे हो सकता है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते महात्मा जी। आप सच में कांग्रेस डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं? हाँ जवाहर, मैं जानता हूं मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं। ऐसी बात जो जहर लग सकती है, पर है ये अमृत। कांग्रेस को डिसॉल्व करने का क्या जस्टिफिकेशन है बापू? पार्टी में अनुशासन है, एकता की भावना है। ये ऊपरी दिखावा है सरदार। बहुत सी बातों पर तो तुम और जवाहर भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो। मतभेद होना तो स्वाभाविक है बापू, परंतु हम सभी का उद्देश्य एक ही है, देश सेवा। और फिर बापू, आप तो जानते ही हैं देश में आज इतनी समस्याएं हैं। कश्मीर में लड़ाई बढ़ती जा रही है। शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाना बस के बाहर हो रहा है। हैदराबाद में विदेशी जहाज हथियार लेके आ रहे हैं। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से मिलना चाहता है बापू। देश के लोगों ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं बापू। भारत को एक देश बनाने का यही वक्त है बापू। और अगर कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया गया तो शासन कौन करेगा? वही शासन करेंगे जिन्हें चुनाव में जनता चुनेगी। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस के नाम पर अब किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों बापू? ऐसा करना जनता के साथ धोखा होगा। कैसा धोखा बापू? देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक खुला मंच था जिससे हर विचार के लोग जुड़ गए थे। अब आजादी मिल गई, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बापू? देश सेवा, जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम सब गांव में जाएंगे, वहां के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, गांव को सशक्त बनाएंगे। सही मानों में देश का विकास तब होगा। सरकार में रहकर क्या हम देश सेवा नहीं कर सकते बापू? सरकारें हुकूमत करती है जवाहर, सेवा नहीं करती। सरकारें सत्ता का प्रतीक होती है, सत्ता सिर्फ अपनी सेवा करती है। हमने हमेशा आपकी गाइडेंस में काम किया है बापू, आगे भी करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे प्रस्ताव के विषय में तुम लोगों ने क्या सोचा है?
पांडे जी आप नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखते थे। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? वर्किंग कमेटी की जो राय रहेगी वही जी जी हाँ जी सबकी राय राय रहेगी। नथुराम, नथुराम ये देखो क्या चुप है। गांधी ने अदालत को लिख कर दे दिया है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है और हम सबको भी। क्या सच में? इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात? अरे ढोंगी है गांधी, उसके हर बात के पीछे कोई चाल होती है। हम सबको माफ करने के पीछे क्या चाल हो सकती है गुड़ से? लोग उसे क्या कहते हैं? महात्मा। वही साबित कर रहा है। कुछ भी कहो नथुराम, उसने जो कहा था वो पूरा किया। बुढ़े में कुछ तो है। बुढ़े में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तभी तो पूरे देश को अपनी उंगलियों पर ना चाहता है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। बापू को आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। वो एक पहली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाबू के प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया। उसका यह मतलब तो नहीं कि वो कांग्रेस से सालों पुराना रिश्ता तोड़ दे। इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर। बापू आपके कांग्रेस छोड़ने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप जानते हैं गोडसे ने अपने अखबार में क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है जो सच है। बंटवारे में हजारों लोग मारे गए, तबाह हो गए। ये सब गांधी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। ये मौका परस्त कांग्रेस के नेता जल्द से जल्द गद्दी पर बैठना चाहते थे। बस गोडसे अपने अखबार के जरिए कांग्रेस की छवि खराब करने पे तुला हुआ है। अब उसका अखबार जोरों से चलने लगा है। आप पर गोली चलाकर गोडसे बहुत बड़ा नायक बन गया है। बहुत सही कहा आपने, अब तो वह हिंदू हृदय सम्मान कहलाता है। माफ कीजिएगा, कोई चाहे तो एक दिन में गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की है। और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। देश को आजादी सिर्फ गांधी या कांग्रेस ने नहीं दिलाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत नौजवान सूली पर चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं, जाने दी हैं देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। गोडसे को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, उसे लिखने दीजिए। लोगों का विश्वास आप अपने काम से जीतिए, शब्दों से नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, पर कांग्रेस मत छोड़िए। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूं। बहुत उत्तम विचार है आपका। हम आपके साथ बनाकर रहेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत? आधुनिक भारत तो तब बनेगा जब देश में समानता हो और सबको न्याय मिले। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा साहब? यही कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर न शासन करना चाहिए और न उसका शोषण करना चाहिए। सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव को तोड़कर हमें समाज में न्याय और समानता लानी चाहिए। समानता तो प्रकृति में भी नहीं है बाबा साहब। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा। कोई कुछ भी कर ले, गधा घोड़ा नहीं बन सकता। हम यहाँ इंसानों की बातें कर रहे हैं, जानवरों की नहीं। ये जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव ये प्रकृति ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाया है। कुछ ऊंचे वर्ग के लोग मनुस्मृति में लिखी बातों को धर्म मानते चलते आ रहे हैं। अब इसे बदलना होगा। बाबा साहब हम संस्कारी लोग हैं। हम सब अपने पुरखों के बताए धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक है, उन्हीं से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन देश की मुक्ति तो संविधान से ही होगी। अगर हम एक सशक्त, खुशहाल और आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सही कह रहे हैं बाबा साहब।
मैं भी यही चाहता हूं। देश में हर प्रकार का भेदभाव छुआछूत खत्म हो, सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, और हम ये करके रहेंगे बाबा साहब। मेरे लिए तो यही सच्ची आशा है। भीमराव अंबेडकर तो संविधान की बात करता है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांधी का क्या करें? वो तो किसी कानून की परवाह नहीं करता, वो कभी भी हजारों अछूतों को